नमस्कार। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाता है, जिसकी हर वर्ष एक थीम निश्चित की जाती है। उसी तरीके से इस वर्ष भी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी थीम निश्चित है, जिसका उद्देश्य है कि हम लोग पूरे वर्ष भर मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करें, लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां करें, ताकि सभी लोग मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें और मानसिक रोगों से दूर हो सकें। इन्हीं सब मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर युवराज पंत, जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं, और उनसे बात करने के लिए मैं आपके बीच उपस्थित डॉक्टर सीता। डॉक्टर युवराज पंत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, अपने अमूल्य समय में से आपने हमें समय दिया। डॉक्टर साहब, जैसा हम सभी जानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में वर्तमान में देखें तो कोई भी खुल के बात नहीं करना चाहता है। जिस तरीके से शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लोग छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी बीमारियां होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में अभी भी कमी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर मानसिक स्वास्थ्य क्या है, क्यों जरूरी है लोगों को इसके बारे में जानना, और हमें कैसे समझ आए कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर युवराज पंत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में साइकोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ, और लगभग पिछले 20 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं कार्य कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, या कुछ लोग इस बात से अनजान भी होंगे, कि प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, और इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जैसा भी डॉक्टर सीता ने भी आपको बताया कि हर व्यक्ति अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहता है और काफ़ी कुछ ऐसे गतिविधियां, क्रियाकलाप या एक्टिविटीज़ करता है जिससे कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सके। लेकिन कोई भी व्यक्ति, लगभग संख्या नगण्य है, बहुत कम लोग इस देश में या इस विश्व में हैं जो अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर और चिंतित रहते हैं, या इसके प्रति वो कुछ ऐसे कार्य या उपाय नहीं कर पाते हैं जिससे कि वो मानसिक रूप से समाज में स्वस्थ रह सकें। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए, प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर का दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसमें कि हम इस तरह की जागरूकता गोष्ठियाँ, कुछ जन चेतना के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जो कि व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित करता है। जैसा कि सभी लोग आप जानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के को अगर हम एक आम रूप में सोचें, कि एक धारणा सी है कि जो व्यक्ति को मानसिक रोग नहीं है वो मानसिक स्वस्थ है, लेकिन वास्तविकता कुछ इससे हटके है। ऐसा नहीं कि जिस व्यक्ति के अंदर कोई मानसिक रोग नहीं है वो मानसिक रूप से स्वस्थ है। जैसा अभी हम हालिया इस घटनाक्रम में देखें, पूरा विश्व इस समय COVID-19 के पैंडेमिक के दौर से गुजर रहा है, और इस दौर में बहुत से लोग कई प्रकार के मानसिक तनाव, दबाव, चिंता और अवसाद, और यहाँ तक कि आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति, इस तरह के दौर से व्यक्ति गुजर रहा था, और इस पैंडेमिक ने इस हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। जैसे कि आप हम सभी लोग जानते हैं कि अगर किसी को कोविड पॉजिटिव कोई भी व्यक्ति हुआ है, तो उनकी संख्या अगर हम पूरे विश्व में देखें या इस देश के अंदर देखें, कुछ निश्चित संख्या है, लेकिन COVID-19 ने शारीरिक स्वास्थ्य की तुलना में मानसिक रूप से व्यक्ति को ज़्यादा प्रभावित किया है। इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम इन मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर इस वर्ष इतनी इस तरह की गोष्ठी और लोगों में चेतना जगाने के लिए कार्य करें, ताकि व्यक्ति भविष्य में आने वाली किसी भी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर पाए। आमतौर पर यह देखा जाता है कि मानसिक रूप से स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य है क्या। मानसिक स्वास्थ्य की अगर हम जहाँ तक बात करें, हम किसी भी परिवार में या समाज में अपनी सीमाओं को, जो भी हमारी कैपेसिटी है या जो भी हमारी योग्यता है, उन सीमाओं को समझते हुए हम एक प्रभावपूर्ण तरीके से अपना समायोजन या एडजस्टमेंट कर सकें। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को समझते हुए, अपनी योग्यताओं को समझते हुए, अपनी सीमाओं को समझते हुए एडजस्टमेंट करने में
सफल हो पाता है और कुछ ऐसा कार्य करता है जो उसके खुद के लिए और समाज के लिए लाभदायक होता है, वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है। डॉक्टर जुराज, जैसे आपने बोला कि कुछ व्यक्ति जो समायोजन नहीं कर पाते हैं तो वो मानसिक अस्वस्थता की ओर चले जाते हैं, और कुछ व्यक्ति हैं वो किसी भी परिस्थिति में आराम से समायोजन कर लेते हैं, तो आप ये बताइए कि वो ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं, ऐसी कौन सी दशाएँ होती हैं जिनसे व्यक्ति को समायोजन में कठिनाई होती है, वो कहीं ना कहीं मानसिक अस्वस्थता की ओर बढ़ जाता है, आप उन थोड़ा सा उन कारणों पर प्रकाश डालिए। बिल्कुल, जैसा कि आप हम सभी लोग जानते हैं कि कई प्रकार की मानसिक क्या ऐसे मापदंड हैं जिनसे हम माने कि या क्या ऐसे तरीके हैं जिनको अपना करके हम लोग मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। जैसे मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, हम अपने अगर शारीरिक स्वास्थ्य की ओर अगर हम ध्यान दें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो कोई भी व्यक्ति जो अपने शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के कार्य अपने जीवन में कुछ करता है तो इसका सीधा प्रभाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसके अलावा हम अपने जीवन में तनाव और कुछ विपरीत परिस्थितियों तो में हम इस तरह से समायोजन करें कि हम अपने जीवन के जिस उद्देश्य के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको हम प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त जीवन का एक कुछ निश्चित एक सकारात्मक लक्ष्य हमारा होना चाहिए। रोजमर्रा के जीवन में अगर हम लक्ष्यहीन रहेंगे तो हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो अगर हम रोजमर्रा के जीवन, मेरा तो ये मानना है कि हर घंटे हर मिनट के लिए व्यक्ति को कुछ लक्ष्य निर्धारित करके उस लक्ष्य के पीछे व्यक्ति को चलना पड़ेगा। ये अलग बात है कि उस लक्ष्य को हासिल करने में हमें असफलता मिल सकती है, लेकिन फिर पुनः हमारे पास जीवन में हर दिन के लिए कुछ ना कुछ एक कार्य निश्चित रहेगा। जैसे सुबह उठने से लेकर के अपने ड्यूटीज़ हैं या दूसरी चीज़ें हैं, और शाम को घर आने तक परिवार के साथ समय गुजारना, साथ निकलना, साथ घूमना, इस तरह के कई ऐसे कार्य, अगर हम निश्चित एक कार्य पूरा हमारे दैनिक दिनचर्या हमारी बनी रहेगी तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि हम अपने जीवन में एक अच्छा एडजस्टमेंट कर सकेंगे और हम मानसिक रूप से स्वस्थ रह पाएंगे। डॉक्टर रविराज, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, क्या व्यक्ति के जीवन में कुछ निश्चित ऐसे कारण होते हैं या कोई ऐसे फैक्टर है निश्चित जिसकी वजह से उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है या वो मानसिक रोगों की तरफ को जाते हैं? आप हमें उन कारकों के बारे में या कारणों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दीजिए। बिल्कुल डॉक्टर सीता, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हर व्यक्ति, क्योंकि इस समाज में हर तरह का व्यक्ति रहता है, तो बेसिक अगर मुख्य रूप से हम लोग देखें कि मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं निश्चित रूप से। इन कारकों को हम ब्रॉडली दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहले कारक होते हैं कुछ शारीरिक कारक होते हैं जिनको हम लोग फिजिकल फैक्टर कहते हैं, दूसरे कुछ एक जनरल फैक्टर होते हैं या सोशल फैक्टर भी हम उनको कहते हैं या इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हम लोग उसको कहते हैं। जैसे कुछ अगर हम फिजिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो एक जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक शारीरिक रचना कि व्यक्ति किस तरह से, किसी व्यक्ति की अगर हम देखेंगे शारीरिक रचना थोड़ा दोषपूर्ण रहती है या कुछ उस तरह के कुछ शारीरिक कुछ विकलांगता किसी व्यक्ति में अगर होती है तो हमें लगता है कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति में रहता है। तो शारीरिक रचना के अलावा कुछ फिजिकल हेल्थ, अगर कोई व्यक्ति किसी गंभीर प्रकार की शारीरिक बीमारियों से अगर ग्रस्त रहता है तो उस व्यक्ति में भी निश्चित रूप से तनाव और कुछ तनाव को सहने की क्षमता उस व्यक्ति में कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति का बुद्धि, कई स्टडीज़ में इस तरह से बात निकल के आई है कि जो व्यक्ति ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है वो विपरीत परिस्थितियों में समायोजन करना है, विपरीत परिस्थितियों से हम कैसे निकल के बाहर आएं, इस व्यक्ति में इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकता है और उस विपरीत परिस्थिति से निकल पाता है। इसके अलावा कई साइकोलॉजिकल फैक्ट, कई सोशल फैक्टर हैं, कई फैमिली फैक्टर हैं, कई इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं। जैसे सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात है परिवार या घर का वातावरण, जो हम शुरू से इस बात पर फोकस भी करते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे घर का वातावरण या इन्वायरमेंट कैसा है। अगर घर किसी ऐसा परिवार जहाँ अक्सर माता पिता के बीच में लड़ाई झगड़ा फसाद होते रहता है या परिवार में कोई व्यक्ति है जो किसी प्रकार का नशे का आदि है, उस परिवार में विकसित होने वाले बच्चे, उस परिवार में जिन बच्चों का विकास होगा उन बच्चों में निश्चित रूप से भविष्य में आगे चल के कुछ उनकी जो मेंटल हेल्थ रहती है वो कहीं ना कहीं से प्रभावित होती है। सेकंड चीज़ है बच्चों का किस तरह से समायोजन होता है, बच्चे किसी भी विपरीत परिस्थिति में किस तरह से समायोजन कर पाते हैं। और इसी में एक महत्वपूर्ण और चीज़ है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। जैसे हमने देखा है कि कई ऐसे परिवार जो कि माता पिता अपने बच्चों को एक टाइम नहीं दे पाते हैं या बच्चों से बात करने का उनका टाइम नहीं रहता है, उस तरह के भी बच्चे डाइवर्ट होते हैं आगे चल के और उनका मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हम अक्सर
अपनी कई गोष्ठियों में इसको फोकस भी करते हैं कि बच्चे को एक माहौल घर पर मिलना चाहिए माता पिता, क्योंकि इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम देखते हैं कई जगह दोनों पेरेंट्स माता पिता दोनों किसी न किसी आजीविका में लगे हैं और वो बच्चे को एक सही समय नहीं दे पाते हैं। तो इसमें इस लगे होने के बावजूद अगर किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उसके बावजूद वो ऐसा एक समय निकालें जो कि बच्चे को दे पाएं, जिससे कि बच्चे का एक अच्छा मनोवैज्ञानिक विकास घर पर हो सके और भविष्य में वो बच्चा समाज का एक महत्वपूर्ण अंग बन सके। जैसे कि आपने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य को जो मुख्य रूप से अगर हमारे प्रभावित करने वाले कारण में हमारे परिवार का माहौल है और कुछ हद तक व्यक्ति की बुद्धि भी आपने बात करी, इसके अतिरिक्त आपने बात करी एक क्वालिटी टाइम की जो पेरेंट्स अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के पीछे जो परिस्थितियाँ होती हैं उसके सामने उनसे हर व्यक्ति अलग अलग तरह से प्रभावित होता है, चाहे वो महिला पुरुष कहें चाहे आयु वर्ग के आधार पर करें। तो आप हमें ये बताइए कि क्या मानसिक स्वास्थ्य का खतरा कुछ विशेष वर्ग को रहता है कि विशेष आयु वर्ग होता है जिसको ये ज़्यादा प्रभावित करता है? बिल्कुल, तो इस पर थोड़ा सा ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा मैम। जैसा हम लोग देख रहे हैं वर्तमान दौर में वैसे तो कोई भी वर्ग मानसिक रोग से अछूता नहीं रहा है। अगर हम करें जन्म से लेकर के अगर हम वृद्धावस्था की बात करें तो हर वर्ग में कुछ अलग अलग प्रकार के मानसिक रोग पाए जाते हैं, जो कि किसी जैसे बच्चों के अंदर कुछ चाइल्डहुड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हम लोग बोलते हैं, उसमें कई तरह की बीमारियां भी समाज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जिसमें मेंटल रिटार्डेशन है, जिसके अंदर ऑटिज्म है बहुत सुनने में आता है। ऑटिज्म एक प्रकार का मानसिक रोग जो बच्चों में पाया जाता है अधिकांशतः। इसके अलावा ODD है, अपोजिशनल डिफिशेंट डिसऑर्डर एक होता है जिसमें बच्चा बहुत जिद्दी स्वभाव का और सब विरोधी कार्य करता है। इस तरह की कई ऐसी बीमारियां जो बच्चों में पाई जाती हैं। इसके अलावा कई ऐसी बीमारियां जो युवा वर्ग में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जैसे कि हम लोग देखें एंग्जाइटी या डिप्रेशन, इस तरह की बीमारियाँ युवा वर्ग में काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और इसके साथ साथ वृद्धों की अगर हम लोग बात करें तो वृद्धों के अंदर भी डेमेंशिया, जिसमें एक भूलने की बीमारी हम लोग कहते हैं, डेमेंशिया एक बहुत बड़ा कारण है। और वृद्धों में कई प्रकार के और दूसरे गंभीर मानसिक रोग जिसको हम लोग साइकोसिस कहते हैं, ये भी हमें देखने में मिलते हैं। तो कोई भी वर्ग मानसिक रोगों से अछूता नहीं है, लेकिन अगर आप ये पूछना चाह रहे कि कौन सा वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित है या कौन व्यक्ति ज़्यादा मानसिक रोग के रिस्क में रहता है, तो वो व्यक्ति जो परिवार में जिसके ऊपर ज़्यादा दायित्व या जिम्मेदारियाँ होती हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा दायित्व या जिम्मेदारियाँ होंगी व्यक्ति उसको निभाने के लिए उन कार्यों को करेगा। तो अगर वो उन निभाने के दौरान अगर उनको करने में या उनको प्राप्त करने में असमर्थ होता है तो उस व्यक्ति के अंदर भविष्य में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह की बीमारियां होने का खतरा अधिक है। तो जो जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है परिवार का सदस्य या जो अर्निंग पर्सन परिवार का ज़्यादा होता है उसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेस, तनाव या डिप्रेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। डॉक्टर युवराज, जैसे आपने बताया कि इसमें किसी विशेष आयु को हम नहीं मान सकते, बचपन से लेके चाहे युवा हैं चाहे महिलाएं हैं चाहे वृद्ध लोग हैं, कहीं ना कहीं मानसिक रोग से हर कोई पीड़ित है, चाहे वो हम एंजाइटी की बात करते हैं, चाहे OCD की बात करें, चाहे डिमेंशिया की बात आपने करी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे सामान्य तौर पर सभी लोग मानसिक स्वास्थ्य से के मतलब इसमें लापरवाही जैसे बरतते हैं तो कुछ ना कुछ परेशानी उनको रहती है, समायोजन में कठिनाई रहती है। तो आपको COVID-19 के दौरान आपने भी काफ़ी अनुभव किया होगा, तो हम ये जानना चाहते हैं कि COVID-19 से पहले की जो मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति थी उसमें COVID-19 के दौरान क्या परिवर्तन था, आप किस किस तरह के मानसिक रोगों में आपने इस दौरान वृद्धि देखी? निश्चित रूप से जो COVID-19 का दौर आया है ये बहुत विपरीत परिस्थिति व्यक्तियों के सामने अचानक आई है। और इसके इस विषय में अगर हम कहें कि कुछ आंकड़े भी भारत सरकार की तरफ से जारी हुए हैं कि और WHO की तरफ से जारी हुए हैं कि भविष्य में जो ये अनुमान था कि आने वाले 10 वर्षों में जिस तरह से मानसिक रोगियों की वृद्धि होती वो आंकड़ा इस COVID-19 के दौरान ही पूरा हो चुका है। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज से 10 वर्ष के बाद जितने अधिक मानसिक रोगी होते वो पूरा इस COVID-19 के दौरान, इस एक वर्ष, लगभग एक वर्ष के दौरान इतने लोगों में वृद्धि हो चुकी है। तो निश्चित रूप से COVID-19 ने बहुत लोगों को डिप्रेशन, सुसाइड, ड्रग एडिक्शन, एंग्जाइटी, इस तरह की कुछ प्रमुख मानसिक रोग हैं उनका शिकार बनाया है।
इसके पीछे कई कई कारण हो सकते हैं, कई कारण हैं। जैसे हमने देखा COVID-19 के दौरान लॉकडाउन हुआ और लोगों का रोजगार छीना, लोगों का अपना रोजमर्रा का जो जीवन है, जीवन शैली है, वो उसमें एकदम अचानक एक बदलाव आया और उस बदलाव को व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सका। और ये कहा भी जाता है कि वो व्यक्ति तभी उतना अधिक तनाव में आता है जो व्यक्ति अचानक जीवन में बदलाव आता है और जो व्यक्ति उस बदलाव को स्वीकार कर ले, उस बदलाव के अनुरूप आगे को चलने लगे, तो व्यक्ति एडजस्टमेंट करता रहता है और वो व्यक्ति एक स्वस्थ मानसिक जीवन जीता है। लेकिन इस बदलाव के कारण कई व्यक्तियों के द्वारा इस बदलाव को स्वीकार नहीं किया गया। उसमें कई कारण थे, जैसे मैंने पहले बताया, एक नौकरी का भय जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था, मॉनिटरी फैक्टर था। इसके अलावा बीमारी का भय, कई लोगों को ये था कि मुझे कोविड तो नहीं हो गया है, मुझे कोविड हो तो नहीं जाएगा। जैसे थोड़ा थोड़ा हमने देखा कि अगर सर्दी जुकाम खांसी भी अगर किसी को हो रही थी तो व्यक्ति एकदम गंभीर रूप से एक चिंता की अवस्था में पहुँच जाता था और उसको ये डर या भय होने लगता था कि मैं भी कहीं कोविड का शिकार तो नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से COVID-19 के इस दौर में मानसिक बीमारियों का ग्राफ आने वाले 10 साल में जिस तरह से बढ़ता, वो सिर्फ इस एक वर्ष के दौरान बढ़ा है। जी, आपने बताया कि किस तरीके से COVID-19 के दौरान सभी लोग प्रभावित हुए मानसिक रोगों से, विशेषकर चिंता उनके में रही, भय की भावना काफ़ी थी। वास्तव में किसी दूसरे के बारे में भी अगर खबर हम सुनते थे तो खुद घबरा जाते थे कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। किसी तरीके से आपने आर्थिक रूप से बात करी कि रोजगार जिनका छूटा वो लोग इससे काफ़ी परेशान रहे। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि वैसे कुछ रोग होंगे जो सभी लोगों में होते होंगे, क्या महिला पुरुषों के जो मानसिक रोग हैं उनमें क्या लक्षण में विभिन्नता होती है? कुछ ऐसा होता है कि केवल महिलाओं को ही मानसिक रोग हैं या कोई केवल पुरुषों को ही होते हैं, तो ऐसे कुछ रोग हैं स्पेसिफिक? इस सवाल के जवाब में आपको ये कहना चाहूँगा कि किसी भी लिंग भेद के आधार पर, लिंग के आधार पर मानसिक रोगों के लक्षणों में भिन्नता नहीं की जा सकती है। कोई भी ऐसे मानसिक रोग नहीं है जो हम लोग कहें कि ये पुरुषों में ही पाए जाते हैं, या कोई भी ऐसे मानसिक रोग नहीं है कि हम ये कहें कि महिलाओं में पाए जाते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं जो व्यक्ति, इस बात पर निर्भर करता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो व्यक्ति जितना जिम्मेदारी लेगा, चाहे परिवार की जिम्मेदारी हो चाहे समाज की जिम्मेदारी हो, तो उस व्यक्ति में उतना ज़्यादा तनाव या उस व्यक्ति को उतना ज़्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। और अगर वो उस स्ट्रेस या तनाव का सामना एक आम तौर पर कर लेता है तो एक नॉर्मल मानसिक स्वास्थ्य की तरफ को बढ़ता है। अगर वो व्यक्ति उस तनाव का या स्ट्रेस का सामना नहीं कर पाता है तो उसमें किसी भी प्रकार का मानसिक रोग, जिसमें मुख्य रूप से एंग्जाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन, इस तरह के होने की संभावना रहती है। जैसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग बात करें कि घर का सारा कार्य आम तौर पर महिलाओं के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, तो महिलाओं में डिप्रेशन या एंग्जाइटी होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर कोई महिला वर्किंग भी है तो उसके ऊपर एक तो वर्क का प्रेशर, अपने ऑफिसेस का जो प्रेशर है वो उनके ऊपर रहता है, घर का कार्य उसको करना पड़ता है, ये प्रेशर उसके ऊपर रहता है, तीसरा समाज में सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी उसको करना होता है, तो ये तीनों प्रेशर उस व्यक्ति के, तो अब बच्चों की एक परवरिश है, हालांकि सब लोग मिल के इस कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कहें कि महिलाएँ उस पर ज़्यादा ध्यान देती हैं या कार्य करती हैं, तो महिलाएँ ज़्यादा तनाव की स्थिति में रहती हैं, ऐसा देखने में आया है। जी बिल्कुल, आपने ये बात बहुत भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहें तो 100% सच मालूम पड़ती है, क्योंकि हमारा परिवेश ऐसा है जहाँ पर घर परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी एक महिला के जिम्मे मानी जाती है कि वही वो संभालेगी। अब भले ही दोनों कार्य कर रहे हों, जिम्मेदारी उठा रहे हों, लेकिन एक मानसिक रूप से दबाव महिला के ऊपर बना रहता है। तो डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहती हूँ कि हम थोड़ा बच्चों की तरफ को आ जाएं, विद्यार्थियों की तरफ को। आपने देखा होगा कि स्कूल कॉलेज सारे बंद हो चुके हैं लॉकडाउन होने की वजह से, ऑनलाइन पढ़ाई का प्रेशर उनके ऊपर आ चुका है। तो जहाँ पर ये ऑनलाइन का है, इसमें स्कूल के बच्चे हों चाहे कॉलेज के बच्चे हों, तो कहीं ना कहीं घर में रहने से कहें या ऑनलाइन ज़्यादा बिजी रहने से कहें, उनके व्यवहार में एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अधिकतर माँ बाप की शिकायत है कि बच्चे काफ़ी अग्रेसिव हो चुके हैं, किसी भी बात का सही तरीके से जवाब नहीं देते हैं, उनका जो खाने पीने का पैटर्न था वो चेंज हो गया है, एक तरह से अव्यवस्थित हो चुके हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैम आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इस सवाल का व्यक्तिगत रूप से मैं भी हर दिन लगभग, मेरे पास 5 से 7 टेलीफोन कॉल्स, क्योंकि
जिस हॉस्पिटल में मैं कार्य कर रहा हूँ वो अभी कोविड सेंटर बना हुआ है, तो वहाँ हमारी ओपीडीज नहीं चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फ़ोन के माध्यम से इस तरह के सवाल या इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे अभिभावकों के मेरे पास अक्सर फ़ोन आते हैं कि सबसे बड़ा एक कारण उन जो निकल के आ रहा है, जैसे कि आपने भी अभी जिक्र किया था कि जो हमारी पढ़ाई है इस लॉकडाउन की वजह से वो ऑनलाइन पढ़ाई हो गई है, और बच्चों के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान कई तरह की शिकायतें आई हैं कि जैसे माता पिताओं के द्वारा ये शिकायतें बताई जाती है कि बच्चा ऑनलाइन के नाम पर मोबाइल या कंप्यूटर इन चीज़ों को माता पिता से लेता है और उसके बाद पढ़ाई ना करके अन्य कई दूसरी गतिविधियों में, चाहे वो गेम्स हों, चाहे वो कोई दूसरी इंटरनेट साइट्स को सर्फिंग करना हो उससे हट करके, या कोई सोशल मीडिया हो, इस तरह के बच्चे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर और माता पिता के द्वारा जब उसको रोका जा रहा है तो उनके अंदर एक आक्रामकता की भावना, एक चिड़चिड़ापन या गुस्सैल प्रवृत्ति, इसके साथ साथ सरदर्द, ये कई सिम्टम्स के साथ बहुत ज़्यादा शिकायतें इस समय आ रही हैं। तो निश्चित रूप से इस सब चीज़ों के कारण बच्चों के व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो आयु वर्ग होता है, इस आयु वर्ग के अंदर बहुत अधिक एनर्जी होती है और इस एनर्जी को हर बच्चा चैनलाइज करना चाहता है, और ये कहा भी जाता है कि बच्चे की एनर्जी अगर राइट डायरेक्शन में अगर चैनलाइज होगी तो सब कुछ सही रूप से चलता रहेगा, अगर बच्चे की वो एनर्जी चैनलाइज नहीं होती है तो निश्चित रूप से बच्चे के अंदर कई तरह के परिवर्तन आते हैं। तो क्योंकि लॉकडाउन के दौरान की बात करें या इस समय सरकार की जो गाइडलाइन है कि बाहर नहीं निकलना है, एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, जिससे कि बच्चे खेलने के लिए पार्क में नहीं जा रहे हैं या घूमने के लिए बाहर नहीं जा रहे हैं या मॉल्स में घूमने के लिए या मूवी देखने के लिए बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो अधिकांश व्यक्त समय जो है बच्चों का घर पर ही बीत रहा है। तो घर पर बीतने के कारण और बच्चे की एनर्जी अंदर से कहना चाहिए हिलोरे मार रही है कि हम बाहर निकलें, कुछ ऐसा काम करें, तो कुछ ऐसा करने को रह नहीं गया है। इसके कारण बच्चा अधिकांश समय या तो इंटरनेट की तरफ को जा रहा है, अधिकांश तरफ मोबाइल, या हम लोग इसको डिजिटल एडिक्शन, अपनी मानसिक रोग विज्ञान के अंदर हम इसको डिजिटल एडिक्शन कहते हैं, तो एक डिजिटल एडिक्शन की तरफ को बच्चा बढ़ रहा है, और इसके साथ साथ माता पिता और बच्चे के आपस के जो संबंध हैं वो भी कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रहे हैं। और इसी घटनाओं के कुछ दुष्परिणाम भी निकल के आए हैं, क्योंकि कुछ सुसाइड केसेस जो बढ़े हैं, हमने देखा कि इस 7-8 महीनों में कई इसमें स्टडीज़ भी हुई हैं और कई कॉल्स भी मेरे पास आए हैं, उसमें हमने देखा है कि बच्चों के द्वारा भी इस तरह के कुछ खुद को नुकसान पहुंचाने या सुसाइड करने के जैसे भी प्रयास किए गए हैं। तो निश्चित रूप से बच्चों के ऊपर ये कोविड काल एक बहुत विपरीत परिस्थिति और बच्चों के मानसिक विकास को लेकर के बहुत ज़्यादा उस पर दुष्प्रभाव पड़ा है। जी, बहुत बढ़िया। यही है कि पेरेंट्स के लिए भी ये बड़ी परेशानी का सबब बन गया है और बच्चों के लिए भी, बच्चे भी अपने आप में बहुत ज़्यादा असमायोजित हो रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि हमारी दिनचर्या अच्छे तरीके से चले, वो भी परेशान हैं, मजबूर हैं अपने इन हालातों से, लेकिन फिर भी हम लोगों को, बच्चों को और माँ बापों को, दोनों को मिल के इस ओर कार्य करना होगा। पेरेंट्स को भी थोड़ा बच्चों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उनके जो भाव हैं, उनके अंदर जो घट रहा है उसको भी काफ़ी कुछ समझने की ज़रूरत है, उनकी जगह पर खुद को रखने की ज़रूरत है ताकि उनके मन की स्थिति को समझ सकें और उनको समायोजित करने में मदद कर सकें। वहीं पर जो हमारे थोड़े बड़े बच्चे हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपने परिवार का जो माहौल है उसको बनाने के लिए प्रयासरत रहें और अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा हम लोग एक ढंग से पेश आने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चे अगर कुछ गलत बात करते हैं तो कहीं ना कहीं माँ बाप का भी दुख, उनका भी दिल दुखता है। तो दोनों को मिलकर कार्य करने की ज़रूरत है। डॉक्टर युवराज, मैं एक बात बताई कि पूरे जीवन काल में हर व्यक्ति कभी ना कभी किसी भी तरह का मनोरोग से सामना करता है, किसी भी समय बात होती है, तो हम ये कैसे जाने कि व्यक्ति को मनोचिकित्सा की जरूरत पड़ गई है? क्या इसका कोई एक निश्चित फेस होता है? ये डॉक्टर साहब, आपके द्वारा बहुत अच्छा ये सवाल पूछा गया है, क्योंकि मनोरोग के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि कई प्रकार की भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हुई हैं, तो आपका ये सवाल काफ़ी हद तक उन भ्रांतियों को दूर करेगा कि जहां तक तनाव या विपरीत पर, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि कुछ स्पेसिफिक रोग जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जिसमें एंग्जाइटी या डिप्रेशन है, इस तरह के रोग कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कोई विपरीत परिस्थितियां या तनाव जिनका हम लोग इफेक्टिवली सामना नहीं कर पाते हैं,
उसके कारण होते हैं और आगे चल के वो गंभीर अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जैसा आपने भी बताया कि हर व्यक्ति अपने जीवन में, और स्टडीज़ भी हुई हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में, रोज़मर्रा जीवन में कभी ना कभी विपरीत परिस्थितियां, तनाव का सामना करता है। लेकिन जो व्यक्ति उस तनाव का सामना करने के दौरान उस परिस्थिति का सामना कर लेता है और उस परिस्थिति को अडॉप्ट कर लेता है, तो व्यक्ति आगे चल के एक हेल्दी मेंटल लाइफ को लीड करता है। लेकिन जो व्यक्ति उस विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते हैं और उस विपरीत परिस्थिति के कारण व्यक्ति के व्यवहार में कुछ विशेष प्रकार के परिवर्तन आने लगते हैं, जिसमें अगर हम लोग मुख्य कुछ परिवर्तन हम लोग देखें कि व्यक्ति अक्सर उदास रहने लगता है, व्यक्ति का एक सोशल जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो जाती है, व्यक्ति अलग थलग रहने लगता है, व्यक्ति की जो एफिशिएंसी है, जो उसका कार्य करने का जो तरीका है या कार्य करने की जो क्षमता है, उसमें धीरे धीरे कमी या गिरावट आने लगती है और व्यक्ति कार्य करना ही बंद कर देता है। तो इस तरह की जब ये अवस्था किसी भी व्यक्ति के जीवन में आती है और ये अवस्था कुछ लंबे समय तक बनी रहती है, इसका हम समय भी निर्धारित कर सकते हैं कि अगर 2 से 3 हफ्ते तक का इस तरह की कोई विपरीत या नकारात्मक परिस्थिति, हम अपने दैनिक जीवन में एक दैनिक दिनचर्या जी रहे थे और अचानक कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई कि हमारे लाइफ में ये नकारात्मक परिवर्तन आ गए, और ये नकारात्मक परिवर्तन अगर लगभग 2 या 3 हफ्ते तक लगातार बने रहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें किसी न किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर हम जितनी जल्दी इस तरह की समस्याओं के लिए अर्ली इंटरवेंशन अगर हम लोग करेंगे, तो इस पर बहुत जल्दी ही हम इस पर काबू पा सकेंगे या इस बीमारी से बाहर निकल पाएंगे। अगर हम जितना डिले करेंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि आमतौर पर लोग कहते हैं कि समाज में ये बहुतों को होता है, समाज में कईयों को होता है, तो कई पेरेंट्स या परिवार के लोग, या उनको लगता है कि इस तरह की गतिविधियां होने पर वह उनको एक भ्रम में वो चले जाते हैं कि हमारा व्यक्ति मानसिक रोगी तो नहीं है, मतलब वो स्वीकार नहीं करते हैं मानसिक रोग नहीं। मानसिक रोग का मतलब ये नहीं कि आप रोड पर निकले हैं, आप लोगों को गाली दे रहे हैं, यही मानसिक रोग नहीं है। कुछ ऐसे छोटे छोटे परिवर्तन भी जो व्यक्ति के जीवन में, जैसा मैंने अभी बताया, अगर ये भी घटित होते हैं और ये 2-3 हफ्ते तक लगातार बने रहते हैं जिसके कारण आपका कार्य प्रभावित होता है, तो निश्चित रूप से आपको मानसिक रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। और वो सलाह, कई बार अगर आपकी प्रॉब्लम प्रारंभिक अवस्था में है तो दवाइयों की भी जरूरत नहीं पड़ती है, काउंसलिंग या कई अन्य साइकोथेरेपीज होती हैं जिनके द्वारा आप इससे उबर सकते हैं। अगर डॉक्टर को लगता है कि इन चीज़ों से बहुत फ़ायदा नहीं हो रहा है और आपको जल्दी परेशानी से आराम मिलना है, तो उसमें दवाइयों का सहारा भी लिया जाता है। जी, कुल मिलाकर आपका जो उत्तर था उससे ये बात सामने आती है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को शारीरिक रोगों की तरह मानसिक रोगों को भी स्वीकार करने की ज़रूरत है। हमको ये मानना पड़ेगा मन से कि हम लोग मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हो सकते हैं। जो हमारे दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं होती हैं, चिंता संबंधी है, किसी को अवसाद हो जाता है, उन चीज़ों को हमें थोड़ा गंभीर लेने की ज़रूरत है। अक्सर देखा जाता है कि परिवार में अगर कोई चुप रहने लगे या कोई सरदर्द की बात करे, तो इस छोटी मोटी बातों को हम लोग काफ़ी इग्नोर कर देते हैं। तो इन लोगों को, इन चीज़ों को हम अगर गंभीरता से लें, तो ये आने वाले समय में एक बड़ा रोग होने से बच सकते हैं, एक मानसिक अपने मन को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसे कुछ प्रमुख रोगों के बारे में आप हमें बताएं जिसका अधिकतर लोग अधिकांशतः सामना करते हैं, कुछ मानसिक रोग हमें बताइए। बिल्कुल, निश्चित रूप से कई ऐसे मानसिक रोग हैं जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है, जिसके रोगी इस समाज में या पूरे विश्व में, इस देश में या पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो रोग है वो है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी डिसऑर्डर हम लोग बोलते हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर एक मोस्ट कॉमन डिजीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अभी एक विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक जो आंकड़ा है उसके अनुसार लगभग 29 करोड़ लोग एंग्जाइटी डिसऑर्डर के शिकार हैं, जो कि अपने आप में सबसे, और अगर इसमें भी हम लोग अगर आंकड़ों को और गहरी तौर पर देखें तो इसमें महिलाओं का प्रतिशत लगभग 63% महिलाएं एंग्जाइटी रोग का शिकार हैं और पुरुषों का प्रतिशत इसमें 37% मेल्स हैं। और अभी इस आपके पुराने प्रश्न का भी इसमें जवाब मिल गया कि आपने बोला कि कौन लोग ज़्यादा रिस्क में हैं, तो उसमें ये चीज़ प्रूफ भी हुई कि 30 पुरुषों की प्रतिशत एंग्जाइटी डिसऑर्डर में कम है और महिलाओं का प्रतिशत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं महिलाएं ज़्यादा तनाव और दबाव में रहती हैं, ये चीज़ इससे प्रूफ भी होती है। इसके अलावा 2015-16 में भारत में निमहांस ने एक सर्वे भी किया था, उसमें उन्होंने देखा कि 18 वर्ष से जो अधिक उम्र के लोग हैं
वो ज्यादा इसके शिकार में है। तो एक दूसरा एक हमें और ये जानकारी मिलती है कि जो युवा वर्ग है वो अत्यधिक इसके दबाव में या इस रोग के ज्यादा गिरफ्त में है। इसके अतिरिक्त 150 मिलियन जिसकी संख्या लगभग 15 करोड़ है, उन लोगों को मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। 15 करोड़ लोगों को मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो निश्चित रूप से आंकड़ा बहुत बड़ा है, क्योंकि इस फील्ड में अन्य दूसरे बीमारियों की तरह जो सर्वे है, क्योंकि लोग छिपाते हैं, लोग खुलकर सामने बाहर नहीं आते हैं, तो बहुत कम रिसर्चेज होती हैं, लेकिन जो भी रिसर्चेज होती हैं निश्चित रूप से अब बता रही हैं वर्तमान में, जो क्योंकि इस क्षेत्र में क्योंकि मानसिक रोग का दायरा काफ़ी बढ़ रहा है और इस बढ़ने के कारण रिसर्च भी बढ़ रही है। तो अब नई नई रिसर्च हो रही है और उन नई नई रिसर्च में ये चीज़ निकल के भी आ रही है कि काफ़ी लोग मानसिक रोग की गिरफ्त में आ रहे हैं। और ये कहा भी जा रहा है कि इस समय डिप्रेशन नाम की जो बीमारी है वो दुनिया में सेकंड नंबर का सबसे बड़ा रोग बनने जा रहा है। मतलब डिप्रेशन जो मानसिक रोग है वो दुनिया का दूसरे नंबर का रोग बनने जा रहा है। तो निश्चित रूप से रोजमर्रा के जीवन में हम देख रहे हैं कि जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, ये परिस्थितियां हमें इंगित करती हैं और हमें अलर्ट भी करती हैं कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अलर्ट रहें, सचेत रहें, ताकि भविष्य में किसी गंभीर मानसिक रोग के हम लोग शिकार ना हो पाए। डॉक्टर साहब, अभी हमने देखा कि आपने मानसिक रोगों की बात करी, चिंता, अवसाद, OCD, इसी तरीके से एक भय, कई तरह के मानसिक रोग हैं जिसका लोग सामना करते हैं। तो COVID-19 का जो दौर चल रहा है, इसमें जो COVID-19 के से जो बचने के तरीके हैं, जो उसके रूल रेगुलेशन हैं, उनका एक दबाव लोगों पर है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क पहनना है। तो इन दबावों के चलते तो कहीं ना कहीं लोगों में एक दूरी पैदा हो गई है, चाहे वो सामाजिक संबंधों की दूरी के हैं, चाहे एक शारीरिक दूरी तो है ही है। तो इनकी वजह से तो आपको क्या लगता है कि COVID-19 के बाद या COVID-19 की जो आगे की अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, धीरे धीरे कौन से ऐसे मानसिक रोग होंगे जिनमें वृद्धि होने की संभावना है और उनके प्रति हम किस तरीके से सचेत रहें? बिल्कुल, इस प्रश्न काफ़ी अच्छे प्रश्न इस आज की इस चर्चा में उठ भी रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि जो मानसिक रोग की बीमारियां आज से 10 साल बाद जो आंकड़ा होता है वो पिछले इन 8-9 महीनों में जिस तरह से वृद्धि हुई है, हमने उस आंकड़े को छू लिया है। तो निश्चित रूप से इस COVID-19 के दौरान, COVID-19 पैंडेमिक के कारण कई तरह के मानसिक रोग जिनके आगे और वर्तमान में जो हो रहे हैं प्लस आगे इनके होने की प्रबल संभावना है, उन कुछ मानसिक रोगों में एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, इसके अलावा एक PTSD हम लोग बोलते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। कोई भी ऐसा ट्रॉमा, कोई भी ऐसी आपदाएं जो जीवन में होती हैं या समाज में घटित होती हैं, तो उन आपदाओं के दुष्प्रभाव आगे चल के सामने आते हैं। जैसे हम लोग अभी अपने उत्तराखंड की बात करें तो कुछ वर्ष पहले आपने देखा होगा केदारनाथ की एक बहुत बड़ी आपदा आई थी और उस केदारनाथ की आपदा के फलस्वरूप कई प्रकार के जो लॉसेस इंसानों को हमने खोया था, उसके दुष्प्रभाव या उसके परिवार से जुड़े हुए जो लोग होते हैं या समाज में जो लोग उनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, उनमें काफ़ी लंबे समय तक का या जो उस आपदा के बाद बच गए थे उनमें भी एक लंबे समय तक का, उसके कई केसेस हमारे सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में भी आगे आए थे, जो कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, मतलब कोई भी ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट जब होता है समाज में, उसके बाद लंबे समय के बाद उस तरह का विपरीत प्रभाव व्यक्ति में पड़ता है और काफ़ी लंबे समय तक का व्यक्ति इस रोग में ग्रसित होता है। और आगे आने वाले समय में 4-6 महीनों में इस तरह के केसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि ये घटनाएं घटने के कुछ महीनों के बाद सामने आते हैं। और इसके अलावा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अलावा एक जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है ड्रग एडिक्शन, जिसको हम लोग बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस दौर में व्यक्ति के पास कुछ करने के लिए नहीं था, जो थोड़ा बहुत पैसा कमाया था वो खाने में घर के इस्तेमाल में हुआ, तो व्यक्ति खा ली रहा तो क्या करे, तो व्यक्ति को लगता है कुछ किसी प्रकार के नशे की तरफ को व्यक्ति टर्न हो गया और किसी भी प्रकार से, चाहे उसके लिए उसको चोरी करनी पड़ी हो, चाहे दूसरे तरीके अपनाने पड़े हो, व्यक्ति अलग अलग प्रकार, जो व्यक्ति कम यूज़ करते थे उनकी संख्या बढ़ गई या जो व्यक्ति नहीं यूज़ करते थे वो यूज़ करने लगे। तो कहीं ना कहीं नशा रोग भी अपने आप में इस COVID-19 का बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है। तो मुख्य रूप से एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और चौथा ड्रग एडिक्शन, ये 4 ऐसी बीमारियाँ हैं जो COVID-19 के दौरान बढ़ रही हैं और आगे चल के इनके बढ़ने की संभावना और ज़्यादा है। बिल्कुल डॉक्टर, आपने बहुत सही बात कही है कि
मानसिक रूप से जो रोग होता है या कोई महामारी जब आती है तो उस दौरान तो उसका फर्क पड़ता ही पड़ता है, लेकिन आने वाले समय में वो व्यक्ति के भविष्य को, उसके समुदाय को और साथ ही हमारे देश और समाज को बहुत लंबे समय तक प्रभावित करती है। उससे निपटने के लिए काफ़ी कुछ व्यक्ति को करना पड़ता है और यहाँ पर हमारा वही मानसिक स्वास्थ्य काम आता है। अगर हम पहले से मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए हमारे अंदर वो ताकत, वो एनर्जी है, या हमें एक संवेगात्मक रूप से अगर फिट रहते हैं, किसी भी परिस्थिति को सामना करने के लिए अगर हम तैयार रहते हैं, तो इन महामारी में भी हम लोग थोड़ा बहुत अपने को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैं जानना चाहूँगी कि व्यक्ति चाहे शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, बीमार हो, अगर वो पूरी तरीके से स्वस्थ भी है, तब भी देखा गया है कि वो अपने स्वास्थ्य को फिर भी फिट रखने के लिए कई उपाय करता है। जैसे हेल्थ चेकअप वो बार बार करवाता है, इसके अतिरिक्त वो छोटे मोटे जो बीमार है, सर्दी जुकाम वगैरह के लिए घरेलू उपाय अपनाते हैं, या छोटे मोटे बाहर जाके डॉक्टरों से बोलते हैं कि हम इन छोटी मोटी बीमारियों से कैसे बच रहे हैं, हमेशा स्वस्थ रहें। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी क्या ऐसे कोई टिप्स हैं, क्या कोई छोटी मोटी ऐसे उपाय हैं जिनको हम अपना सकते हैं, ताकि हम लोग जो आने वाले समय में जो मानसिक रोग बढ़ने वाले हैं उन तक हम ना पहुँचें और शारीरिक स्वास्थ्य की तरह हम लोग मानसिक रूप से भी फिट रहें। बिल्कुल, जिस तरह से यही चेतना और यही अवेयरनेस आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है, इस तरह के कार्यक्रम हमें इस तरह की चेतना और अवेयरनेस हमारे अंदर पैदा करते हैं। क्योंकि जिस तरह से आपने कहा डॉक्टर साहब कि हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या ऐसा किया जाए कि हमें भविष्य में आने वाली किसी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना बहुत आसान हो जाए और हम उस विपरीत परिस्थिति से बिना किसी मानसिक झटके के उस विपरीत परिस्थिति से निकल आए। तो कई ऐसे अपने हम दैनिक जीवन में कई ऐसे कार्यों को करके, कई ऐसे तरीकों को अपना करके हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं, और अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम किसी प्रकार की मानसिक रोगों की गिरफ्त में आने से बच सकते हैं। कई ऐसे छोटे मोटे कई ऐसे तरीके हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में किसी विपरीत परिस्थिति या आने वाले स्ट्रेस को हम लोग नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस को चेंज करना हमारे हाथ में नहीं है। या जैसा भी कोविड 19 आया, किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह की कोई परिस्थिति आएगी, तो जो घटित होने वाला है या जिसका हमें सामना करना है वो हमारे हाथ में नहीं है। तो कुछ ऐसी बातें जो हम अपने ऊपर लागू करें, अपने जीवन शैली में अपनाएं, तो निश्चित रूप से हम उन परिस्थितियों से बाहर आसानी से निकल सकते हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण बातें उसमें मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, ये अगर हम अपने दैनिक जीवन में शामिल करें, जिसमें प्रमुख चीज़ें हैं कि कुछ नया करते रहें, कुछ नया सीखते रहें। क्यों? अगर हमारा दैनिक जीवन में कुछ नया करने के लिए होगा, कुछ हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक टारगेट होगा, या कुछ जो हम अपने डेली रूटीन में कर रहे हैं उससे हटके कुछ करें। जैसे अभी आपसे ही बात हो रही थी, आपने बोला कि आप क्योंकि एकेडमिक्स देख रही हैं, लेकिन आपके अंदर भी इस मानसिक स्वास्थ्य दिवस को लेकर के कुछ बातें आईं, तो आपने इस तरह का एक कार्यक्रम किया, तो निश्चित से अपने उस फील्ड से हटके कुछ अगर आप करते हैं तो इससे आपके अंदर एक नई चेतना आती है, आपके मेंटल मेकअप बहुत अच्छा बना रहता है, जिसके कारण आप तो कुछ आप जो नया सीखते रहें और अपने जीवन में कुछ नया करते रहें। इसके अलावा जब जब आपको जितना आपकी सामर्थ्य है, आपको मौका मिले, आप अपने जीवन में दूसरों की मदद जरूर करें। तीसरी चीज़ है कि प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ ऐसा एक टारगेट बनाएं कि हमें कुछ नया करना है, कि जिस उसके अनुसार आप प्रत्येक दिन के कुछ टारगेट निश्चित करें अपने जीवन में, और जब जब वो आपके टारगेट पूरे होते हैं तो हमें एक अच्छा अनुभव होता है, और वो अच्छा अनुभव हमारे जीवन में एक पॉजिटिविटी या एक प्रेरणा देता है, और वो सकारात्मक प्रेरणा हमें आगे बढ़ने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा आप जैसे हैं, जिस तरह के हैं, उसको स्वीकार करें, चाहे आपके अंदर कुछ कमियां हैं, चाहे आपके अंदर कुछ अच्छाई है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अपनी कमियों को तो नज़रअंदाज करते हैं और अपनी अच्छाइयों को ज़्यादा प्रकट करते हैं। तो अगर हम अपनी कमियों को भी स्वीकार करें तो कई तरह के टेंशन से हम लोग अपने जीवन में बच सकते हैं। इसके अतिरिक्त शराब या किसी प्रकार के नशे इत्यादि का हम सेवन ना करें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, शारीरिक स्वास्थ्य ही मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है। तो अगर हम कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी, जैसे शारीरिक दौड़ भाग, या जो व्यक्ति जिम कर सकते हैं जिम करें, टहलें, ब्रिस्क वॉक करें, इसके अलावा जो कुछ और अल्टरनेटिव्स हैं जिसके अंदर प्रमुख रूप से इस कोविड 19 के दौरान भी ये चीज़ निकल के आई हैं, योगा, रिलैक्सेशन और मेडिटेशन,
ये दो तीन चीज़ें मानसिक शांति के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ अमेरिका की अभी स्टडीज़ में पढ़ रहा था तो उसमें ये चीज़ निकल गई, तो वहाँ जो व्यक्ति जितना ज़्यादा जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वह व्यक्ति अपने मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान देने के लिए कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों से मिलता है, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से मिलता है जो कि ह्यूमरस टाइप होते हैं, मतलब वो जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, हंसी मजाक करें, अपनी बातों को शेयर करें और अपने लिए कुछ वक्त ज़रूर निकालें, क्योंकि हर व्यक्ति बिजी है, ये आप और हम सब मानते हैं, हमारे दैनिक जीवन में हम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं और बिजी हैं, तो अगर हम अपने लिए समय नहीं निकालेंगे तो हम कहीं ना कहीं स्ट्रेस को का एक प्रकार से हम बंडल बनाते रहेंगे। तो अगर हम दैनिक जीवन में कोई भी एक ऐसा दिन डिसाइड करिए, चाहे वीकेंड्स हो कहीं, या जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ में होता है वो लोग वीकेंड पे बाहर निकल जाते हैं, तो हम भी वीकेंड पे अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने निकलें। अभी ज़रूर कोविड काल चल रहा है, लेकिन इसके बाद जब इस परिस्थिति से हम लोग निकल जाते हैं तो अपना टाइम परिवार के साथ दें, बाहर निकलें, जिससे कि हम लोग रिफ्रेश हो पाते हैं और वही रिफ्रेशमेंट अब हमें अपने अगले आने वाले हफ्ते के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है और हम और बेहतर तरीके से अपने कार्यों को कर पाते हैं। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर साहब ने, जितनी बातें बताई उनसे निश्चित रूप से हम ये समझने के लिए तैयार हैं, ये हमको स्वीकारना पड़ेगा कि हर व्यक्ति में भिन्नता होती है, व्यक्तिगत रूप से हर इंसान भिन्न होता है, सब में अपनी अपनी खूबियाँ हैं, सब में अपनी अपनी कमियाँ हैं, तो हमें अपने आप को पूरी तरीके से स्वीकारना होगा। हमारी कमी को हम पहले खुद समझें, उस कमी को दूर करने का प्रयास करें, जो हमारी अच्छाइयाँ हैं उसको हम अप्रिशिएट करें, और हर व्यक्ति में एक मौलिकता ज़रूर होती है, उसको आप आगे को उजागर कीजिए। साथ ही आपने एक बात बहुत बढ़िया कही थी कि लक्ष्य निर्धारण, अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से अस्वस्थता की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि इंसान के अगर लक्ष्य होता है तो वो व्यस्त रहता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इसलिए हमारे ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लक्ष्य होना ज़रूरी है। छोटे छोटे रेमेडीज डॉक्टर साहब ने बताई, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के बीच में संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। कुछ शारीरिक एक्टिविटी हैं जिनसे हम मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं, कुछ मानसिक एक्टिविटी भी हम लोग करें जिससे हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, तो इनका संतुलन बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बातें आप बता रहे हैं, काफ़ी ऐसा मन कर रहा है कि आपसे पूछते रहें और तरीके जानते रहें। डॉक्टर साहब, कोविड-19 के दौरान में आपने देखा होगा कि काफ़ी अखबारों में पढ़ा होगा, आत्महत्या की घटनाएं काफ़ी सुनने को मिली। पहले भी आत्महत्या की घटनाएं होती थी, लेकिन इस दौरान चूँकि व्यक्ति चाहे आर्थिक रूप से कहिए कि रोजगार छीनने की वजह से, या लॉकडाउन में घर में रहे पारिवारिक उलझनों की वजह से कहिए, तो किसी ने या कुछ ऐसे रिलेशन की वजह से कहिए, क्योंकि व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता, तो कहीं ना कहीं आत्महत्या की ओर अग्रसर हुए। आए दिन हम केवल गरीब तबके की बात नहीं कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे पोस्ट में लोग थे, उन्होंने भी आत्महत्या का कदम उठाया। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इस आत्मघाती जो व्यवहार होता है, अपने आप को जो नुकसान पहुँचाता है इंसान, इसके पीछे कौन सी प्रवृत्ति काम करती है, क्या कारण है कि व्यक्ति अपने आप को समाप्त करने की सोचता है? एक बात मैम आपने बहुत अच्छी कही कि इस कोविड-19 के दौरान आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ी है। हम निश्चित रूप से हमने अखबारों के माध्यम से भी ये चीज़ पता लगी कि आत्महत्या करने वाले लोगों के या आत्महत्या जैसा कदम उठाने वाले लोगों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है, और इस पर न्यूज़पेपर में काफ़ी आर्टिकल भी हमने निकाले थे लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए, अवेयर करने के लिए। और दूसरा आपने कहा कि हर वर्ग में ये चीज़ पाएगी, जरूरी नहीं कि कोई आर्थिक रूप से मजबूत है या सक्षम है उसी ने आत्महत्या की है, कई ऐसे लोगों ने, जैसे कल ही के मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, बड़ा सरप्राइज हुआ मैं जानकर कि हिमाचल प्रदेश जी। में एक हिमाचल प्रदेश के DGP रिटायर्ड DGP जो कि CBI जैसी संस्था के डायरेक्टर भी रहे हैं, उस व्यक्ति के द्वारा भी कल परसों आत्महत्या की गई है। इसके अलावा एक आपने काफ़ी चर्चित नाम भी रहा, अब हमारे फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह के द्वारा भी आत्महत्या की गई। इसके अलावा कुछ दिन पूर्व लखनऊ के भी एक IPS के द्वारा आत्महत्या की गई थी। तो कोई वर्ग विशेष में ये नहीं, हर वर्ग में इस तरह का पाया जा रहा है और लोग इस तरह के आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति में जो आत्महत्या आत्मघाती कदम कोई भी व्यक्ति तब उठाता है जब वो किसी गंभीर प्रकार की अवस्था में
फंस चुका होता है और उसका सामना करने में वो सक्षम नहीं होता है, जिसमें प्रमुख चीज़ें आपने अभी जिक्र भी किया कि आर्थिक तंगी उसमें बहुत एक बहुत बड़ा कारण है और टूटे हुए घर परिवार उसमें एक बहुत बड़ा कारण है, और किसी व्यक्ति को जो एक गंभीर प्रकार के मानसिक रोगों से या गंभीर प्रकार के शारीरिक रोगों से भी कोई व्यक्ति अगर लंबे समय तक जूझ रहा होता है तो वो भी परिवार के ऊपर बोझ ना बने, इस तरह की भावनाओं को लेकर के भी वो व्यक्ति आत्महत्या जैसे कदम उठाता है। इसके अलावा किसी कोई नियरेस्ट की अगर कोई मृत्यु हुई है, जैसे अभी पिछले हफ्ते मेरे पास एक केस भी आया था कि एक यंग 44 इयर्स के एक मेल ने हल्द्वानी के अंदर ही एक आत्महत्या की थी, वो प्रॉपर्टी डीलर था, तो उसकी वाइफ मेरे पास आई कि उसके अंदर भी सोशल सुसाइड की टेंडेंसीज डेवलप हो रही हैं, तो उसके अंदर भी उसको लगा कि मेरा पति चला गया, मैं क्या करूं जी करके, तो उसकी बहन के द्वारा उसको लाया गया और उसकी हमने काउंसलिंग की और मनोचिकित्सक द्वारा उसका फार्माकोथेरेपी की गई, तो अभी काफ़ी हद तक इस चीज़ से उभर पाई हैं। और इसके अलावा आपदाएं जो जो भी वर्तमान दौर, ये COVID-19 भी एक प्रकार की आपदा है, इस COVID-19 के दौर में या समाज में किसी तरह की आपदाएं होती हैं उसके बाद भी आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ गंभीर प्रकार के जो डिप्रेशन होते हैं उसमें आत्महत्या उस तरह के लोग करते हैं, एक सिजोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी होती है जिसमें इस तरह के विचार आते हैं कि मर जा, जी के क्या करेगा, इस तरह की कानों में आवाज़ें आती हैं या विचार आते हैं, तो व्यक्ति उन विचारों के कारण भी आत्महत्या जैसे कदम उठाता है। इसके अतिरिक्त कुछ आपने देखा होगा बहुत इम्पल्सिव पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, आपको जैसे आप समाज में इस तरह की जब घटनाएँ घटित होती हैं आपको लगता है अरे ये व्यक्ति आत्महत्या कर ली, इसने आत्महत्या कर ली, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि ये आत्महत्या कर, मतलब जिस व्यक्ति के बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति भी एक इम्पल्सिव है, मतलब अभी तक आधे घंटे पहले तक वो सब कुछ ठीक था, अचानक किसी बात को लेके उसका परिवार के या समाज में किसी के साथ कोई विवाद होता है और वो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। अभी 4 दिन पहले इस हल्द्वानी शहर में आपने सुना होगा कि एक ठेकेदार का एक व्यक्ति के साथ कुछ लड़ाई हुआ, जबकि उसका कोई रिश्ता नहीं था उससे, उसका ठेकेदार का दूसरे ठेकेदार के साथ लड़ाई हुआ और वो घर आकर के पैसों को लेकर लड़ाई हुई और घर आते ही उसने आत्महत्या, तो इस तरह की इम्पल्सिविटी सुसाइड हम लोग कहते हैं, अचानक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अचानक एक इम्पल्स आती है और व्यक्ति आत्महत्या जैसे कदम उठाता है। तो अगर व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, कुछ लोग लंबे समय से सोच रहे होते हैं और आत्महत्या के जैसे कदम उठाते हैं और कुछ ऐसे इम्पल्सिव लोग होते हैं जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि अचानक दिमाग में आता है और आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे उपाय या तरीके हैं जिनको अपनाकर हम इस आत्महत्या जैसी एक गंभीर प्रवृत्ति को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या रोका भी जा सकता है। जैसे आपने भी देखा है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब CBSE के द्वारा एक हेल्पलाइन शुरू की गई है बच्चों के लिए, कि हम पहले से देखते थे कि 10th या 12th के जब बोर्ड के रिजल्ट आ जाते थे तो उसके बाद आत्महत्या करने वाले बच्चों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती थी, तो CBSE के द्वारा एक हेल्पलाइन चलाई गई विगत कुछ वर्षों से और बच्चा अपनी परेशानियों को उस हेल्पलाइन के माध्यम से निकालता है या व्यक्त करता है और हेल्पलाइन में जो काउंसलर्स बैठे रहते हैं वो व्यक्ति की काउंसलिंग, बच्चे की काउंसलिंग करते हैं, तो काउंसलिंग के फलस्वरूप बच्चे में इतना परिवर्तन आता है कि उस हेल्पलाइन का सुखद परिणाम ये रहा कि अब रिजल्ट के पश्चात आत्महत्या करने की संख्या में काफ़ी कमी आई है। तो निश्चित रूप से जो आत्महत्या करने वाला व्यक्ति होता है ये किसी न किसी तरह के संकेत पहले देने लगता है, वो अलग रहने लगता है, गुमसुम रहने लगता है या कुछ इस तरह की बातें घर परिवार चाहे जाने अनजाने करने लगता है, कहने लगता है कि यह ज़िंदगी या दुनिया सब बेकार है या इसमें जी के कोई फ़ायदा नहीं या मैं इस दुनिया में या इस धरती पर मैं बोझ हूँ या इस परिवार में बोझ हूँ। अगर इस तरह के किसी भी तरह के संदेश किसी भी व्यक्ति के द्वारा हमारे घर पर या हमें सुनाई दें या पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति ऐसी बातें करता हो तो उसको निश्चित रूप से इंटरवेंशन की ज़रूरत है। वहाँ पर उसको पहले तो हम कोशिश करें एक परिवार का सदस्य होने के नाते कि हम लोग उसको बातें करें, उसकी बात को उसको वेंटिलेट करें, हम इमोशनल वेंटिलेशन बोलते हैं, उसके जो भाव हैं उसके संवेग हैं वो बाहर निकालें, जो भी उनके तनाव या दबाव की स्थिति है वो बात करके बाहर निकल के उसको रिलैक्स लगता है। अगर आपको लगता है इसमें परिवर्तन नहीं आ रहा तो निश्चित रूप से तुरंत मानसिक रोग विशेषज्ञ से मिलें और आपका ये कदम हमें खुद को परिवार को और समाज को निश्चित रूप से आत्महत्या की दर में कमी आने लगेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं फिर इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति कुछ समय पहले से ही आत्महत्या करने के संकेत देने लगता है और ये संकेत वही जो मैंने अभी आपको बताए, इन संकेतों को अगर हम लोग समझ पाए तो निश्चित रूप से हम व्यक्ति का जीवन बचा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है आपने हमको बताई। कहीं ना कहीं पर जो हमारे मानसिक रोग हैं, डिप्रेशन जैसी स्थिति आपने बताई कि आत्मघाती व्यवहार की ओर को व्यक्ति इसमें अग्रसर होता है, तो
कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अगर हम परेशान हैं तो उसके जो परिणाम हैं वो बुरे ही होते हैं। तो क्यों ना हम इस मानसिक रोग की इस गंभीर स्थिति तक पहुंचने से पहले संभल जाएं, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति हम लोग ध्यान दें, उसको गंभीरता से लें और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम लोग कार्य करते हैं। डॉक्टर साहब, काफ़ी विस्तार से आप हमको बता रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये मुद्दे काफ़ी बड़े बड़े हैं, आने वाले समय में इसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और काफ़ी आपने विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगों के बारे में हमको जानकारी दी। एक देश के नागरिक होने के नाते आप, मैं या अन्य हमारे जितने भी दर्शकगण हैं, एक जैसे हम समाज के एक गाय हैं, सदस्य हैं, तो हमारी अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति और जिस समुदाय में हम रह रहे हैं उस समुदाय के प्रति, हमारे समाज के प्रति, ताकि उनका सबका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो हमारी ऐसे क्या जिम्मेदारी कर्तव्य का निर्वहन हम लोग कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसा कि आप हम सभी लोग जानते हैं कि इस समय हमारे देश में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के जो सेवाएं हैं वो जितनी ज़रूरत है उसके मुकाबले हम लोग काफ़ी पीछे हैं। हमारे पास बहुत कम, इस देश में बहुत कम मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, इस देश में बहुत कम लोग बहुत कम मनोवैज्ञानिक हैं जो कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए कार्य कर सकें, और जिस हिसाब से जितनी देश की जनसंख्या है उसके हिसाब से इसमें काफ़ी कमी है। तो हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व या कर्तव्य बनता है कि वो कुछ ऐसे तरीके, जैसे हम लोगों से बात करें, हम लोगों से मिलें, अपने अंदर एक सामाजिक प्रवृत्ति को डेवलप करें। कि जैसे आपने देखा होगा कई मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होता है कि हमें ये तक नहीं पता रहता कि बगल वाले घर में कौन रह रहा है, जबकि पहले ये था कि बहुत बड़ा बड़ा मोहल्ला हुआ करता था और उस मोहल्ले में दूर दूर तक एक दूसरे के घर जाना, एक दूसरे के साथ मिलना बैठना, सब लोग पर सब घर का सदस्य एक साथ बैठ करके बातचीत करना, ये सब चीज़ें होती थी। तो ये कहीं ना कहीं एकाकी जीवन या एकाकी परिवार में वो सब चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। तो एक दूसरे की बातों को या एक दूसरे का जो इमोशनल सपोर्ट या एक दूसरे को जो वक्त देने वाली बात है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर हमें समाज में मिलता है जो किसी ना किसी रूप से परेशान हो, चाहे वो आर्थिक रूप से परेशान हो, चाहे वो इमोशनली वो स्ट्रेस में हो, तो उसको अगर हम लोग उसके साथ बातचीत करें, उसके साथ वक्त बिताएं, उसको समय दें, या उसकी किसी भी विपरीत परिस्थितियों में हम किसी भी तरह से, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे इमोशनल हो, उस व्यक्ति के काम आ पाएं, तो निश्चित रूप से ये हमारा एक व्यक्तिगत दायित्व इस समाज के नागरिक होने के नाते हम लोग पूरा कर पाएंगे। और इस तरह का हमारा व्यवहार हम कहीं ना कहीं मानसिक रोग या कहीं ना कहीं आत्महत्या या आत्मघाती प्रवृत्ति को भी कम करेगा। जैसा कि इस COVID-19 के दौरान भी देखने में काफ़ी आया कि इस नकारात्मक इस तरह से हावी हुई थी, जैसे किसी पड़ोस में कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव निकलता था तो हमने देखा इस तरह के आंकड़े हमारे पास आ रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने भी ऐसे लोगों की काउंसलिंग की कि परिवार रिश्तेदारी जो दूर दूर रहते हैं वो तो नहीं उस वक्त उनके संपर्क में आ सकते हैं, लेकिन जो पड़ोस के लोग भी थे उन्होंने तक भी बात करना छोड़ दिया था। ठीक है, वो पॉजिटिव पेशेंट था या उसके घर परिवार का कोई सदस्य पॉजिटिव आया, एक निश्चित भाई टेलीफोन के माध्यम से हम उससे संपर्क कर सकते हैं, या उसकी जो उस दौरान उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको हम लोग उसको उपलब्ध करवा सकते हैं, एक सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा, एक फिजिकल डिस्टेंसिंग के द्वारा उन ज़रूरतों को हम पूरी कर सकते हैं। तो एक तरह से इमोशनल या जो भावात्मक सपोर्ट है, वो भावात्मक सपोर्ट का कहीं ना कहीं इस समाज में कमी निकल के आ रही है, और ये भावात्मक सपोर्ट अगर हम लोग बढ़ाएँ या जो दूरी हम लोगों ने एक दूसरे के लिए के प्रति बना दी है उस दूरी को अगर हम लोग कम करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने कर्तव्य में कि हम मानसिक स्वास्थ्य के अलावा शारीरिक स्वास्थ्य, इसके अलावा एक अच्छे समाज को बनाने में हमारा ये व्यवहार एक सकारात्मक कदम निभा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बात कही है, क्योंकि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं और समाज को हमारी जरूरत है, हमें समाज की जरूरत है, और बिना समाज के हम अपना अस्तित्व स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि हम सभी लोग आपस में मिलजुल कर इस महामारी का सामना करें। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने देखा कि मेंटल हेल्थ डे जो अक्टूबर में मनाया जाता है उसके थीम पर भी अगर हम बात करते हैं, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल करके बात करी गई है, तो उसका भी उद्देश्य यही है कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता ला सकें और साथ ही हम आने वाली महामारियों के लिए भी तैयार इसमें रहें। तो इसमें ग्रेट इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, तो आप हम किस तरीके से लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता ला सकते हैं, एक परिवार की क्या भूमिका हो सकती है, हमारा जो समुदाय है उसकी क्या भूमिका हो सकती है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि जो जैसे मैंने अपने पहले वक्त में भी अभी बताया आपको कि हम एक सामाजिक प्राणी होने के नाते जो हमारा रोल है, जो हमारी जिम्मेदारियाँ, अगर हम उनको निभा पाएँ तो निश्चित रूप से
हम अपने कर्तव्य इस कर्तव्य के फलस्वरूप हम मानसिक रोगों में काफी हद तक या लोगों को उस मानसिक रोग से जो जूझ रहे हैं या जो किसी ना किसी तरह के तनाव में है जो कि भविष्य में उनको मानसिक रोग की तरफ को ले जा सकता है, उसमें हम काफी हद तक कमियां ला सकते हैं। तो इस कमी में जो इस तरह की एक गोष्ठी हम लोग आयोजित कर रहे हैं, ये गोष्ठी से लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा होती है जिससे हम इस विषय के बारे में बात कर पाएं। कुछ पुराने वर्ष का लेट अस टॉक करके एक थीम WHO की तरफ से आया था, जी तो मानसिक विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में, कि मानसिक रोग के विषय में क्योंकि बात ही नहीं होती थी, तो लेट अस टॉक के बाद लोगों ने बात करना शुरू किया, समझे। तो इसी तरह की थीम WHO के द्वारा प्रतिवर्ष निकाली जाती है। इसी प्रकार इस तरह की थीम या इस तरह की वर्कशॉप के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, या समय समय पर न्यूज़पेपर में मानसिक रोग की जानकारियां निकाल करके हम, अगर हम बात करेंगे, अगर हम समझेंगे, तो हम इस रोग पे काफी हद तक नियंत्रण कर पाएंगे। दूसरी बिल्कुल बात, मानसिक रोग के विषय में जो सबसे बड़ी इस समय एक महत्वपूर्ण चीज है, वो है जागरूकता की कमी। जैसा अगर हम इस पर्वतीय क्षेत्र की बात करें या पूरे हिंदुस्तान में ये चीजें या और जगह भी ये चीजें होती हैं कि मानसिक रोग को अभी भी कहीं ना कहीं ऊपरी हवा या भूत पिशाच का एक साया माना जाता है। तो लोगों के इस भ्रम को तोड़ना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पास भी जो रोगी आते हैं वो अपना काफी हद तक पैसा या काफी हद तक समय बर्बाद उनका हो चुका होता है। काफी लंबे समय तक वो ऊपरी हवा को दूर करने के लिए प्रयास या उपाय करते हैं, जिसके कारण समय के साथ रोग गंभीर हो जाता है, या कोई व्यक्ति अगर गंभीर डिप्रेशन की अवस्था में है, उस तरह का व्यक्ति आत्महत्या जैसे कदम भी उठा सकता है। तो अगर जितनी जल्दी हम रोग को पहचान पाएं और जितनी जल्दी इस पहचानने के बाद अगर हम चिकित्सीय इसमें सहायता लें, तो निश्चित रूप से हम रोग को एक समय पर हम लोग नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि आगे चल के अगर इसी तरह के रोगों में आप देखते हैं जिस तरह से रोड में कई तरह के मानसिक रोगी घूमते हैं, तो कहीं ना कहीं ये समाज या देश के ऊपर एक प्रकार का बर्डन बनता चला जाता है। तो हम अपनी प्रत्येक व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहेगा, तो हम इस रोग पर काफी कम समय में ही नियंत्रण पा सकते हैं। इसके बारे में हमें बात करना जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। अभी इंडियन साइकेटिक सोसाइटी ने एक सर्वे भी किया था, और उस सर्वे में उन्होंने बताया था कि जो लॉकडाउन में मानसिक रोग जो है लगभग 20% बढ़ गए हैं। तो जब इतना हम कम समय देखें, इस पिछले 7-8 महीनों में ही अगर हम देखें कि मानसिक रोगों की संख्या 20% बढ़ गई है। दूसरा, जो व्यक्ति पहले से मानसिक रोग से पीड़ित थे, उनकी वो डॉक्टर से परामर्श नहीं ले पाए, उनकी दवाइयाँ छूट गई या उनके इलाज ब्रेक हो गया किसी भी कारण से, क्योंकि कई साधन बंद हो चुके थे, तो उसके फलस्वरूप भी ये मानसिक रोग जो पहले से रोगी थे उनके रोग बढ़े हैं, और जो रोगी नहीं थे इस प्रकार के विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होने के कारण वो किसी न किसी तनाव के संपर्क में आए, और तनाव के फलस्वरूप वो व्यक्ति मानसिक रोगी बने। तो इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम अगर समय समय पर चलाते रहें, या इस विषय पे हम लोग बात करें, या प्रत्येक नागरिक हमारा एक जो कर्तव्य दायित्व है कि अगर हम कोई भी समाज में इस तरह का कोई व्यक्ति देखें कि जिसके व्यवहार में, जिसकी आदतों में एक लंबे समय से परिवर्तन आता जा रहा है, अगर हम उसको हम लोग हेल्प दें, उसके लिए चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराएं, तो हम इस भविष्य में, जैसा कहा गया है कि 2020 में WHO ने पहले ही इसको घोषणा की है कि 2020 में डिप्रेशन दूसरा गंभीर रोग बनेगा, तो इस चीज को हम लोग भविष्य में इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, काफी लंबी हमारी बातचीत रही, आपने काफी हमारे जो समस्या है उनका निदान हमको बताए, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करी, मानसिक रोगों के बारे में हमने बात करी, आपने काफ़ी टिप्स हमको बताई, और मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक हैं काफ़ी इससे कुछ सीखे होंगे, उनकी कुछ ना कुछ समस्या का समाधान आज के दिन हुआ होगा, और इसी तरीके से हम लोग भविष्य में भी इन्हीं मानसिक मुद्दों पर बातचीत करेंगे और विस्तार से करेंगे। आप हमारे साथ हमेशा बने रहे। डॉक्टर युवराज, आपने हमको बताया कि हमारी खुद की क्या जिम्मेदारी है अपने प्रति, अपने समाज के प्रति और देश के प्रति। आपने अपने बहुमूल्य समय में से हमारे लिए समय निकाला, वक्त निकाला, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में आपसे फिर इसी विषय पर, अनेक मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और डॉक्टर सीता और उत्तरांचल ओपन यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने महत्वपूर्ण विषय पर, क्योंकि आज इस विषय में बात तक नहीं होती है, बहुत कम बात होती है, बहुत कम चर्चाएं होती है, बाकी अन्य स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग काफ़ी चर्चाएं होती हैं। तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी और डॉक्टर सीता का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के
के उपलक्ष पर इस इतनी शानदार एक गोष्ठी का आयोजन किया, इतनी शानदार इस कार्यक्रम का आयोजन किया जिससे कि व्यक्तियों के अंदर समाज में फैल रही मानसिक बीमारियों पर हम लोग नियंत्रण कर सकें और एक स्वस्थ शारीरिक और मानसिक जीवन हम लोग व्यतीत कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, आपने देखा मानसिक स्वास्थ्य के कई मुद्दों पर हम लोगों ने आज बातचीत करी डॉक्टर युवराज पंत से। जैसा कि इस वर्ष की जो मेंटल हेल्थ डे की थीम है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, जिसमें मेंटल हेल्थ के लिए एक निवेश की बात की गई है। इसमें जितना अधिक हम निवेश मेंटल हेल्थ के लिए करेंगे कहीं ना कहीं ये बाद में हमारे सामने एक अच्छे परिणाम के रूप में आएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सभी जन जागरूकता इसमें फैलाई जाए और जागरूकता फैलाने के लिए ज़रूरी है कि कोई एक व्यक्तिगत संस्था नहीं बल्कि हम लोग सरकार हो चाहे मीडिया हो चाहे हमारे स्वास्थ्य संगठन हो या शैक्षिक संगठन हो, हम सभी मिलकर एक मंच पर आकर इस पर बात करें, आपस में एक समन्वय स्थापित करें जिससे मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता हो फैलेगी, साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य के जो लाभदायक है बातें हैं जो मानसिक स्वास्थ्य का लाभ है वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँच सके। आज के लिए इतना काफ़ी। आने वाले समय में इन्हीं मुद्दों पर आपसे फिर से बातचीत करेंगे। धन्यवाद।